विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आप सभी का आज इस हमारे ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है और राजस्थान में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और इसी आलोक में आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत ज्वाइन कर रही जा रही है। आप सब लोग जानते हैं उदयपुर राजघराने के महाराज कुमार महाराणा प्रताप जी के वंशज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथ ही भवानी सिंह जी कालवी, जो स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी के पुत्र हैं, जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप दोनों महानुभावों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं जो आप लोगों का परिचय भारतीय जनता पार्टी की, हमारा राजस्थान का नेतृत्व यहाँ पर है, उन सबसे भी करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी यहाँ पर हैं, वह भी हम लोगों के मध्य हैं। हमारी सरकार में मंत्री श्री मेघवाल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। दिया कुमारी जी हम लोगों के मध्य हैं। संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं अपने सभी मंचासीन महानुभावों से आग्रह करता हूँ कि श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका अभिनंदन करें। अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह, श्री मेघवाल जी से मेरा आग्रह कि पुष्प गुच्छ देके भी उनका पार्टी में स्वागत करें। पुष्प गुच्छ देके और पार्टी के सदस्यता की पर्ची भी उनको दें। एक से अधिक पटके भी बनाए जा सकते हैं। मेरा सभी हमारे जितने हमारे नेतागण मंच पे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि श्री भवानी सिंह कालवी जी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची, पटका और बुके देकर पार्टी में उनका स्वागत करें। Gracias.
हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस गौरवमय उपस्थिति में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की माटी के सपूत और भारत सरकार के कानून मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी, अनिल बलोले जी, संजय मायूख जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, और जिनकी आज पार्टी में सदस्यता हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रति आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए वीर श्रेणी महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, सफल सम्मेलन हुआ, 50 देशों के 4,700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की, और आपके पुत्र पूज्य पिताजी आदरणीय महान साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पदयात्रा महाणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे, उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भवानी सिंह जी कालवी जिन्होंने समाजोत्थान से राष्ट्रोत्थान अनेक सामाजिक और धार्मिक कामों में और खेल में भी विशेष रुचि जिस परिवार ने रखी, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा हस्तक्षेप रहा, उस परिवार के वंशज भवानी सिंह जी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं पोलो के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से आभार स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का, दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर सभी सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, अनिल बनुल जी, हमारे दिया कुमारी जी, संजय जी, आज की जो ज्वाइनिंग की श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। राजस्थान में परिवर्तन
दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग होती रही है। कभी कभी यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में भी ज्वाइनिंग होती रही, उसी श्रृंखला में आज की ज्वाइनिंग है। आज की ज्वाइनिंग की विशेषता यह है कि चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ये ज्वाइनिंग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। दूसरा बड़ा नाम है भवानी सिंह जी कालवी साहब का, इनका मेवाड़ से भी संबंध है और मारवाड़ से भी संबंध है। तो ऐसे दो ज्वाइनिंग जो हो रही है आज, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज है, मिनरल डेवलपमेंट से लेकर के, खेल डेवलपमेंट से लेकर के, युवा डेवलपमेंट से लेकर के, बहुत आइडियाज है। ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है। तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत बड़ा जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपके आने के कारण बहुत बहुत हमें लाभ मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास भी प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेघवाल जी। अब मैं आदरणीय भवानी सिंह कालवी जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज बहुत गौरवशाली दिन है मेरे लिए। अभी तक जैसे कि आपने, अरुण सिंह साहब ने फरमाया कि मुझे पोलो खेलते हुए 25 साल हो गए और मुझे मेरे देश के लिए भी खेलने का बहुत मौके मिले, वर्ल्ड कप के अंदर खेले, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान को हरा के आए और दो बार ये भी। और अब ये मेरे लिए एक नया फील्ड है जिसके अंदर मैं जिस हिसाब से देखता हूँ कि एक टीम गेम से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ पोलो में, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है। और एक टीम्स के और टीम प्लेयर होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी एज अ टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा। और एज अ टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदरणीय कालवी जी। मेरा आग्रह है आदरणीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जी से कि वह मीडिया के सभी साथियों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी, मेघवाल जी, जोशी जी, अरुण सिंह जी और दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। आपने जो मेरे परिवार की प्रशंसा की है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक भारत को देखते हुए मैं उस नाम में एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, स्वर्गीय महाराणा भोपाल सिंह जी का, जिन्होंने मेवाड़ का विलीनीकरण भारत के साथ किया। उस समय उन्हें उकसाने के लिए बहुत लोग थे मगर वे अडिग रहे। उनका यह मानना था कि यह निर्णय तो हमारे पूर्वजों ने ही ले लिया था जब हजार साल से ऊपर वो आक्रमणकारी से लड़ते रहे, और अब जब सब आक्रमणकारी भारत से निकाले गए थे तो वे भारत के एकीकरण में अड़चन क्यों डाले। उन्होंने विलीनीकरण किया और उनके देखरेख में कुछ और रियासत भी विलीनीकरण के लिए राजी हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संयोजित तरीके से अपने बताए हुए काम एक एक करके पूरा कर रही है। सरकार का जो मनोदृष्टि है वो प्रतिक्रिया में न उलझकर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की है जो प्रदर्शित है। यह भी एक सच्चाई है कि प्रगति को कायम रखने के लिए
एक काबिल और दूरदृष्टित नेतृत्व का साथ नागरिकों को भी देना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रगति की ओर हाथ भी बटाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज यहां उपस्थित हूं। मेरे पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा और भलाई के लिए सोचा है और मैं आज एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आज भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम सब साथ मिलकर सही रास्ते पे प्रगति की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।